नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज बात करेंगे एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड फैट लॉस सप्लीमेंट L-कार्निटीन के बारे में। कार्निटीन, L-कार्निटीन क्या है? ये एक न्यूट्रिएंट है, एक डाइटरी सप्लीमेंट है। इसका आपके बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन में और फैट ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अच्छा रोल है, और ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि आपके घर आपके सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर जो इंजन है जहाँ पर आपकी एनर्जी बनती है, वहाँ पर ये एक्ट करता है और फैट्स को इस्तेमाल करने में मदद करता है। सो योर बॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूसेस L-कार्निटीन आउट ऑफ अमाइनो एसिड लाइसिन एंड मिथायोनिन। लाइसिन और मिथायोनिन दो अमाइनो एसिड है जिनसे आपकी बॉडी खुद L-कार्निटीन बनाती है, और आपकी बॉडी सही मात्रा में L-कार्निटीन बनाए उसके लिए उसको विटामिन सी की भी आवश्यकता है। L-कार्निटीन इन एडिशन आपकी बॉडी जो बनाती है, उसके अलावा एनिमल फूड जो आप लेते हैं, मीट, फिश, चिकन, उनसे भी आपको डायरेक्टली L-कार्निटीन मिल जाता है। वेगन लोग जो जिनके अंदर या कोई अगर जेनेटिक बीमारी है, वो L-कार्निटीन से डेफिशिएंट हो सकते हैं, तो उस केस में आपको L-कार्निटीन सप्लीमेंट कर लेने से फ़ायदा ज़्यादा होगा। अब L-कार्निटीन के भी, क्योंकि L क्यों है, L लीवो कार्निटीन, तो लीवो है तो एक डेक्स्ट्रो भी होगा, L और D का है तो उसके अलग टाइप्स भी होते हैं। सो डेक्स्ट्रो कार्निटीन L-D कार्निटीन इज एन इनएक्टिव फॉर्म। तो डी कार्निटीन इज एन इनएक्टिव फॉर्म। एसिटल L-कार्निटीन नाम की भी चीज़ है जो बहुत इफेक्टिव है आपके ब्रेन के लिए, न्यूरोडीजनरेटिव डिजीजेज के लिए। प्रोप्योनिल L-कार्निटीन नाम की स्टडी है जो सर्कुलेशन, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन करता है और ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है। और एक आता है L-कार्निटीन L-टार्ट्रेट जो आप इस्तेमाल करते हैं स्पोर्ट्स में, बॉडी बिल्डिंग में। यहाँ पे क्यों? क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट है और ये एड करता है, हेल्प करता है आपके मसल सोरनेस, मसल रिकवरी और साथ में एनर्जी प्रोडक्शन को। सो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाला एसिटिल L-कार्निटीन और L-कार्निटीन जो है बहुत इफेक्टिव है जनरल यूज के लिए। और आपकी बॉडी में इसका रोल क्या है वो समझते हैं, ठीक है? आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइटो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक ऑर्गन ऑर्गेनल होता है जो एनर्जी प्रोडक्शन करता है। नॉर्मली सेल्स क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स दोनों से एनर्जी इस्तेमाल कर सकता है, प्रोटीन से भी बना सकता है, लेकिन फैट्स जो होते हैं, फैटी एसिड जो होते हैं, नॉर्मली वो सेल्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं जहाँ पे वो एनर्जी में तब्दील किए जाते हैं, राइट? सो 98% आपके शरीर में जो L-कार्निटीन होता है वो आपके मसल्स के अंदर ही होता है। हल्का फुल्का जो 2% रह गया वो आपके लिवर में या ब्लड में पाया जाएगा, इसीलिए नॉनवेज खाने वाले के अंदर L-कार्निटीन आ जाता है। L-कार्निटीन कैन ऑल्सो जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है वहाँ पर उसके फंक्शन को हेल्प करता है, डिजीज और हेल्दी एजिंग में भी हेल्प करता है, मतलब आप बीमार थोड़े कम होंगे और बुजुर्ग जल्दी नहीं होंगे। सो L-कार्निटीन वेरियस हार्ट और ब्रेन डिजीजेस में हेल्प करेगा। वेट लॉस में कितना हेल्प करेगा, वेट लॉस सप्लीमेंट है या नहीं? बिल्कुल है, इट मेक्स सेंस। क्यों? क्योंकि L-कार्निटीन जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने वाले फैटी एसिड्स हैं, फैट्स को बढ़ा देता है, हेल्प करता है, तो फैट बर्न होके एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इसीलिए L-कार्निटीन लेते हुए आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाते हो, ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस होते हो, कमजोरी के लिए बहुत कॉमनली दिया जाता है। प्लस दिस माइट हेल्प यू लूज फैट एंड बर्न फैट और लूज वेट। मगर आपकी बॉडी जो है इतनी सिंपल नहीं है, आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी है, और इसीलिए जब इस पर मिक्स इसके ऊपर रिजल्ट्स देखोगे आप, ह्यूमन रिजल्ट्स, एनिमल रिजल्ट्स, तो लंबे लंबे रिजल्ट्स में कोई मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। इसका मतलब क्या है, अगर एक तरफ आप फैट से एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं तो भैया आपकी बॉडी जो होती है दूसरी तरफ से एनर्जी प्रोडक्शन कम कर देती है। सो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं और से कॉम्पनसेट आपकी बॉडी कर लेती है। बिल्कुल जैसे आप एक तरफ जब 1-2 घंटे का विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी कंपनसेशन में आपको पूरा दिन, अगले दिन आप सोए सोए रहते हो, अगले दिन आपकी जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में आप जो थोड़े बहुत कदम चलते थे, उठते थे, एक्टिव रहते थे, वो कम हो जाता है। तो आपकी बॉडी जो है एनर्जी एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने की कोशिश करती रहती है। इसीलिए हमेशा आपको कोई भी रिजल्ट अचीव करना है, वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन को पुश करके अपने एक लेवल आगे बढ़ना ही जरूरी है। किसी एक सिंपल सप्लीमेंट से काम नहीं होगा, किसी इजी वे से काम नहीं होगा। तो बॉडी इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और इसीलिए स्टडीज में L-कार्निटीन से अकेले मेजर इफेक्ट नहीं होता, बट यस थोड़ा सा इफेक्ट जरूर आता है, अ माइल्ड इफेक्ट इज देयर, जो बहुत ही कारगर भी होता है कुछ लोगों में। प्लस
आप ये कह सकते हो इट एड्स इन हेल्प्स इन वेट लॉस, राइट, हेल्प करता है. सो दैट इज देयर इफेक्ट है, कम है, बिल्कुल जैसा गार्सिनिया कंबोडिया का इफेक्ट है, कम है. लेकिन इसके दूसरे इफेक्ट जरूर है. इसका ब्रेन पे इफेक्ट है, ब्रेन फंक्शन के लिए अच्छा है. अगर खासकर एसिटिल फॉर्म आप लेते हैं, एसिटिल एल कार्निटिन, तो एज रिलेटेड मेंटल डिक्लाइन, लर्निंग बहुत हेल्प करेगा उस केस में. और ब्रेन फंक्शन के अलावा हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए ये अच्छा है. ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है, इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है. एसिटिल एल कार्निटिन या एल कार्निटिन दोनों ही हार्ट डिजीज में अच्छे हैं. एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बेटर जरूर कर सकता है, ये स्टडीज में दिखा है. वेट लॉस करेगा कि नहीं ये अलग, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस बेटर करेगा. और एक्सरसाइज रेगुलर करोगे, डाइट बेटर करोगे, तो ऑब्वियसली ओवरऑल वेट लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑब्वियसली, राइट. और इसके अंदर क्रिएटीन और कैफीन से डिफरेंट है, याद रखिएगा. क्रिएटीन कैफीन के ऊपर डिटेल वीडियो अलग से बनाए गए हैं. यहाँ पर क्या क्या आपको, अगर आप बॉडी बिल्डिंग में है तो कहाँ इफेक्ट मिलेगा आपको, रिकवरी थोड़ी बेटर होगी, मसल ऑक्सीजन सप्लाई बेटर होगा, स्टेमिना थोड़ा बेटर होगा, थकावट थोड़ी कम होगी, मसल सोरनेस थोड़ी कम होगी, और रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा. तो इन सब चीज़ों को ओवरऑल देखेंगे तो लंबे समय में आपको फायदा होगा. एल कार्निटिन जो है डायबिटिक लोगों के लिए भी हेल्प करता है, डायबिटिक लोगों के कॉम्प्लिकेशंस आने के रिस्क कम कर देता है, शुगर लेवल्स कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और सेफ्टी वाइज ये काफ़ी सेफ है. 2 ग्राम या उससे कम आप रेगुलरली बिना किसी साइड इफेक्ट, सीरियस साइड इफेक्ट के इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप 3 ग्राम हर रोज लेते हैं 21 दिन तक, तब भी आपको कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट्स देखने में नहीं मिलते. लेकिन अगर आप बहुत सेफली यूज़ करना चाहते हैं तो 2 ग्राम आप लंबे समय तक कर सकते हैं विदाउट एनी मेजर साइड इफेक्ट्स. उससे ज़्यादा लेवल्स में कुछ हद तक आपके साइड इफेक्ट्स आने के हल्के फुल्के रिस्क होते हैं, मेजर साइड इफेक्ट नहीं होंगे, पेट के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. एल कार्निटिन एक चीज़ करता है आपके बॉडी के अंदर, एक ब्लड लेवल्स बढ़ा देता है, TMAO, ट्राइमिथाइल अमाइन एन ऑक्साइड नाम के सब्सटेंस की. यहाँ पर ये जो होता है, जब ये ज़्यादा हो जाता है तो ये आपके लंबे समय में एथरोस्क्लेरोसिस, यानी कि आर्टरीज बंद हो जाती है, क्लॉक हो जाती है, उस बीमारी को देखा जाता है, उसके साथ एसोसिएटेड. तो इसीलिए बहुत लंबे समय तक ना लें, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद इसको गैप लें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. और साथ में डोज जो है 2 ग्राम 3 ग्राम से कम रखें पर डे. नॉर्मल खाने पीने से अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो कुछ मात्रा में आपको ये मीट और फिश में मिलेगा, बीफ में मिलेगा, पोर्क में मिलेगा, चिकन में मिलेगा. कितना मिलेगा? इसके अंदर आपको 81 मिलीग्राम्स मिलेगा, मतलब 100 ग्राम बीफ में 100 ग्राम के आसपास आपको मिलेगा, बीफ में सबसे ज़्यादा होता है, और 100 ग्राम पोर्क में अराउंड 25 ग्राम होगा, और 100 ग्राम फिश में 5-6-7 ग्राम होगा, 100 ग्राम चिकन में 4 ग्राम होगा, और दूध में भी 250 ml में 8 मिलीग्राम मिल जाएगा आपको. मिलीग्राम, सॉरी, 8 ग्राम बोलने लग गया मैं, सारे मिलीग्राम थे. 100 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम, 5-6 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम, 8 मिलीग्राम. सो मिलीग्राम्स में आपको ये डाइट में मिलेगा. तो डाइट में ये बहुत कम होता है. सो इस तरह की डाइट, अगर आप वेगन नहीं है तो दूध ज़रूर लें. अगर दूध आपको सूट नहीं करता तो फिर आप इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट. और सप्लीमेंट्स के साथ एक इशू ज़रूर है. अगर आप नेचुरली डाइट से लेते हैं तो उस डाइट में मौजूद, अगर हम कहते हैं कि एक एक ग्लास दूध में, 250 ml दूध में 8 मिलीग्राम एल कार्निटीन है, तो उस 8 मिलीग्राम का नेचुरल फूड से लेने पे 60 से 85% तक एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि 6 मिलीग्राम तक एब्जॉर्ब हो जाएगा. लेकिन जब आप इसे सप्लीमेंट के हिसाब से लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है, एब्जॉर्प्शन केवल 15 से 20% तक रह जाता है. तो दैट इज़ मेजर इशू, दैट इज़ अ मेजर 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 इशू, जो इसीलिए सप्लीमेंट्स फिर ज़्यादा लेने पड़ जाते हैं. सो ऐसे केस में आपकी बॉडी जो है, अगर आपके अंदर प्रोटीन सप्लीमेंट ज़्यादा है, लाइसिन और मिथाइनिन ज़्यादा है, तो नेचुरली बनाती है. अगर प्रोटीन्स कम लेते हो तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी नहीं बना पाएगी, तो प्रोटीन सप्लीमेंट करना बहुत बेहतर हो जाता है. सो शुड यू यूज इट और नॉट? यस, इफ़ यू आर वेजिटेरियन और वेगन, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेंगे, कई सारे बेनिफिट. ओल्ड एज में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. और कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? 2 ग्राम, यानी 1 ग्राम का कैप्सूल आ सकता है, या लिक्विड आता है, 500 मिलीग्राम का लिक्विड आता है. 2 कैप्सूल दिन में 2 बार ले सकते हैं, स्लोली इंक्रीज कर सकते हैं, एक कैप्सूल दिन में 2 बार, फिर 2 कैप्सूल, ऐसे भी कर सकते हैं. सो दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया. अगर आपको किडनी की कोई बीमारी है, लिवर का कोई सिरोसिस है, अगर आपको है तो सब इसमें भी ये सप्लीमेंट हेल्प करेगा आपको. आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं. जैसे मैंने कहा, 500 मिलीग्राम से 2 ग्राम तक आप इसे डेली ले सकते हैं. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. सो इट इज़ अ गुड सप्लीमेंट. इट इज़ ऑल्सो समथिंग लाइक अ फैट बर्नर, मगर बहुत ज़्यादा फैट लॉस नहीं करेगा विदाउट यू पुशिंग योर लिमिट्स. ऑलराइट, बाकी हेल्थ के लिए अच्छा है, डिजीज प्रिवेंशन, हार्ट, ब्रेन सबके लिए अच्छा है.
Please share this video so people are educated and they take their decisions well informed. Thank you so much. This is Dr. Paramjeet. Stay connected. Stay healthy.